हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड के बारे में जहां सिर्फ सांप का बसेरा है। इसे इल्हा द क्यूमाडा ग्रैंड या फिर स्नेक आइलैंड कहा जाता है। ये आइलैंड ब्राजील के तट से कुछ ही दूरी पर है। यहां कदम कदम पर सांप ही सांप मिलेंगे। इस द्वीप पर लोग नहीं जा सकते। ब्राजील की नौसेना ही यह तय करते हैं कि इस आइलैंड पे किसे जाने की इजाजत दी जाए। हालांकि कुछ ही साइंटिस्ट और नौसेना अधिकारी ही द्वीप पर जा सकते हैं। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी है जिसे समुद्री जहाजों को रास्ता बताने के लिए लगाया गया था। 1900 से 1920 के दशक के बीच स्नेक आइलैंड पर लाइट हाउस कीपर और उसका परिवार रहता था। कहा जाता है कि ये परिवार भी इन सांपों की वजह से ही खत्म हो गया। यह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको गोल्डन लैंसहेड सांप मिल सकता है। सांप की यह प्रजाति इतनी घातक है कि इस द्वीप को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया। इन सांपों का भोजन पक्षी ही होती है। इनका जहर बहुत तेजी से काम करता है। गोल्डन लैंसहेड का जहर इतना घातक होता है कि पक्षियों को तुरंत मार देता है और इंसानों के मांस को एकदम पिघला देता है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज्यादा सांप हैं। यहाँ मिलने वाले गोल्डन लैंसहेड वाइपर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 18 लाख रुपए है। इस जगह के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक फिशरमैन द्वीप में केले तोड़ने पहुंचे थे जिसे गोल्डन लैंसहेड ने काट लिया था। वो दौड़कर अपनी नाव पर आया लेकिन यहां से जिंदा नहीं जा सका। उसने नाव में ही दम तोड़ दिया। एक और स्टोरी के अनुसार इस आइलैंड में पिकनिक मनाने पहुंचा एक पूरा परिवार को सांप ने खत्म कर दिया। उनके टेंट के खिड़की से सांप अंदर घुस आए और काट लिया। जब ये लोग वहां से भाग रहे थे तो पैरों पर लटके सांपों ने उन पर हमला कर दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।